This conference will now be recorded. हाय दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मनी लॉजी पे। आपको पता है मैंने पिछले दो तीन वीडियोस के अंदर बेस्ट स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में बातचीत की है। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आप पीटर लिंच, जो कि एक बहुत ही महानतम इन्वेस्टर थे, उनके थ्रू उनके स्क्रीनर से कैसे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, मैं इस वीडियो के एंड में वो प्रेजेंट कर दूंगा, स्क्रीन पे आपके रहेगा, तो आप जाके उसे क्लिक करके एक बार देख सकते हैं। पीटर लिंच के हिसाब से है। उससे पहले भी मैंने एक बनाया हुआ है जहां पे मैंने आपको मार्केट मोजो से बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक्स जो हैं वो चूज करने सिखाए हैं। उस वीडियो का भी मैं लिंक वहां पे डाल दूंगा, एंड में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका बताने वाला हूँ आप लोग को, जो बहुत कम लोग ही आप लोग को बताते होंगे। ठीक है, और ये जो है इसको बोलते हैं पायोट्रोस्की स्कैन। एक एक तरह का ये स्क्रीनर है जो आपको बताता है कि कौन कौन से स्टॉक्स आपको लेने चाहिए। ठीक है, ये जो है मैं आपको वो बताने वाला हूँ, पायोट्रोस्की स्कैन। तो वो बताने से पहले जरा मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली ये होता क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये जो पेज आप देख रहे हो, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का पेज है जहां पे मैंने पायोट्रोस्की स्कोर को ओपन किया है। तो मैं एक बार सिर्फ आपको थोड़ा फटाफट पढ़ के दिखा देता हूँ, क्योंकि शायद आपको स्क्रीन में उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा। मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, अगर आप भी चाहें तो आप गूगल करके पायोट्रोस्की स्कैन करके आप अपना अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। मैं फटाफट आपको एक मिनट में ये बता देता हूँ। जोसेफ पायोट्रोस्की मेथड ऑफ स्क्रीनिंग स्टॉक्स इज बेस्ड ऑन 9 पैरामीटर्स। मतलब ये जो एक एक बहुत बड़े शख्सियत थे जिनका नाम था जोसेफ पायोट्रोस्की, उनके नाम से ये स्कैन बना हुआ है। तो उन्होंने एक स्क्रीनर निकाला है स्टॉक कुछ सेलेक्ट करने का। अच्छा, मैं इनके बारे में बता दूं, ये जो शख्सियत है पायोट्रोस्की जी, ये बेंजामिन ग्राहम, जिनका नाम आप सब जानते होंगे, बहुत बड़े वैल्यू इन्वेस्टर हैं। उनसे अच्छा वैल्यू इन्वेस्टर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, मतलब बेंजामिन ग्राहम पे मैं वीडियो बना दूंगा कि वो वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे करते थे। फिलहाल आप ये समझें कि एक बहुत बड़े वैल्यू इन्वेस्टर थे और ये जोसेफ पायोट्रोस्की जी उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे। तो उन्होंने उनके आइडिया को लेके अपने कुछ पैरामीटर्स उसमें ऐड करके उन्होंने अपने एक स्क्रीनर को जन्म दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने 9 पैरामीटर्स चूज किए। अगर मुझे एक स्टॉक सेलेक्ट करना है तो मैं उसमें 9 बातों का ध्यान रखूंगा, 9 बातों का वहां पे ध्यान रखूंगा, और अगर वो मेरी बातें सही होती गई तो मैं उसको एक एक पॉइंट दूंगा, एक 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 स्कोर उसको प्रोवाइड करूंगा। तो जितने स्कोर्स मुझे मिलेंगे, 9 में से मुझे जितने स्कोर्स मिलेंगे उतना अच्छा। ठीक है, अगर मान लो मैंने जो 9 पैरामीटर्स चूज किए थे और सब में मैंने 1-1 पॉइंट रखे हैं, तो अगर मेरे पूरे स्क्रीन जब मैंने उसको देखा और मुझे 8 या 9 करके मुझे पॉइंट मिलते हैं, तो ये सबसे अच्छे स्टॉक्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर 7 या 6 के बीच में है तो मतलब ये ओके हैं, और 0 से 2 के बीच में है तो ये बहुत खराब है, इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब वो कौन से पैरामीटर्स है जरा मैं फटाफट एक बार आपको बता देता हूं। ये देखिए नेट इनकम, अभी क्या बोल रहा है, आपका जो नेट इनकम है, टोटल इनकम ऑफ द ईयर और एक्सपेंसेस जो होता है, अगर वो पिछले साल से बेटर है तो आपको एक पॉइंट वो लोग आपको देते हैं। आप उस पैरामीटर को क्लिक कर दोगे, भैया 1 पॉइंट हो गया उसके अंदर। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, अगर आपको इस साल आपका कैश फ्लो बेटर है पिछले साल से तो आप उसको फिर 1 पॉइंट दे देंगे। ठीक है, क्वालिटी ऑफ अर्निंग, ठीक है, अगर वो आपका अच्छा है तो आप उस पे 1 पॉइंट दे देंगे। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न आप जो आपके एसेट्स पे जो भी इनकम आ रहा है, अगर वो पिछले साल से बेटर है तो आप उसको 1 पॉइंट दे देंगे। आपका अगर लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है कंपनी के ऊपर, अगर वो कम हो रहा है हर पिछले साल की तुलना में, तो आप उसको 1 पॉइंट दे देंगे। करंट रेशियो, मतलब जो आपका एसेट और लायबिलिटी का रेशियो है, अगर वो अच्छा हो रहा है तो आप उसको 1 पॉइंट दे दोगे पीछे कंपैरिजन में। कंपनी के कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, अगर कंपनी ने कोई भी आउटस्टैंडिंग शेयर मार्केट में लॉन्च नहीं किए कुछ समय तक, तो आप उसको 1 पॉइंट और दे देंगे।
ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो देख के भी आप एक पॉइंट दे देंगे। वैसे ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसके लिए खुद से बैठ के कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है, ये आपको रेडीमेड एक स्क्रीनर में बन के मिलेगा, आपको सिर्फ उसे क्लिक करना है और आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आपको ये सारे पैरामीटर्स में एक एक पॉइंट मिलते हैं, तो अगर मान लो आप काउंटिंग करते हो और आपको 9 मिलता है, आपका 9 के 9 पैरामीटर्स आपके सही हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये स्टॉक बहुत सही है। ठीक है, तो आइए मैं इसको आपको दिखाता हूं कि आप इसे कैसे ढूंढ सकते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि आप एक वेबसाइट रखें जिसका नाम है screener.in, screener.in। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लॉग इन हूँ, मेरी वाइफ के नाम पे, मैं यहाँ पे सागी के नाम पे लॉग इन हूँ, और यहाँ से हम देखते हैं कि हम पाइट्रॉस की स्कैन को कैसे चूज कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे जाके क्लिक करता हूँ, आप ऊपर देख पा रहे होंगे फीचर्स का जो अगला सेक्शन दिखाया हुआ है वो है स्क्रीन, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये देखिए आपके सामने एक पेज ओपन हुआ होगा, और हमने पिछली बार जो बात किया था वो किया था पीटर लिंच स्टॉक स्क्रीनर, उसके नीचे ही है पायोट्रॉस की स्कैन। ठीक है, पायोट्रॉस की स्कैन, तो आइए जरा इसके ऊपर एक बार हम क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कि आज की तारीख में, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं, आज 7 मार्च है, तो 7 मार्च तक कौन सी कंपनियां अच्छी हैं उसके बारे में जरा मैं आपको दिखा देता हूं पायट्रॉस की स्कैन से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और आपके सामने एक पेज आ गया होगा, और ये है आपके सामने, यहाँ पे आप देखिए जेटे, ईकेटी इंडिया, फेडरल मुगल, फिलिप्स कार्बन, यूनाइटेड ब्रिवरेज, नेस्ले इंडिया, एडलबर्ग सीमेंट, सह्याद्री इंडस्ट्री, ऐसे बहुत बड़े लिस्ट हैं। ठीक है, और ये वो कंपनियां हैं जो पाइट्रॉस की स्कैन से मतलब चूज किए हुए हैं, जिनके 9 के 9 पैरामीटर्स बहुत सही हैं। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ डिस्क्लेमर के तौर पे, कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये देखते ही आप स्टॉक को बाई मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपका स्टॉक सिलेक्शन है, मतलब आप स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो, खरीदना किधर है और बेचना किधर है ये आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस बता सकता है, ये आप फंडामेंटली निकाल पा रहे हो कि भैया ये कंपनी अच्छी है, इसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है, किस लेवल पे इन्वेस्ट करना है और कहां से एग्जिट करना है, ये आपको आपका टेक्निकल नॉलेज बताएगा। तो आप अपने आप को थोड़ा टेक्निकली इंप्रूव करें, आपको जो आता है आपका टेक्निकल नॉलेज आपको इसमें लगाएं और उसी हिसाब से आप इसके अंदर बाई करें। ठीक है, और एक और चीज बता दूं, पायट्रॉस्की जी ने जब ये स्कैन को जब उन्होंने बनाया है, तो उन्होंने उसमें एक चीज देखी है कि ये स्कैन में जो उनके स्टॉक्स जो आते हैं वो नॉर्मली आपको 27 से 28% का रिटर्न जरूर देते हैं। ठीक है, 27 से 28% का रिटर्न जरूर देते हैं, लेकिन मैं फिर आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, देखिए पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो आने वाले टाइम में भी रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप अपने हिसाब से देखें, अपना नॉलेज लगाएं, अपना दिमाग लगाएं और अपने हिसाब से आप स्टॉक खरीदें। आपको हमारा ये सेशन जो हमने प्रेजेंट किया आपके सामने कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।